गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, मैं पुष्पिता मोहंती, हिंदी अध्यापिका। आज आपको पल्लव पुस्तक से चौथी कक्षा के लिए हिमालय नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ इसे पढ़ने का प्रयास करें। तो देखिए, क्या है ये कविता? हिमालय। हिमालय हम सभी जानते हैं कि हिमालय को पर्वतों का श्रेष्ठ माना जाता है, पर्वतराज माना जाता है ना? तो क्या है यहाँ पे देखिए, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। सोहनलाल द्विवेदी। जीवन मूल्यों, संकटों का सामने करने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। बच्चों, इस कविता को और थोड़ा सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं कवि हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी यहाँ पर? खड़ा हिमालय बता रहा है, कौन बता रहा है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, हम चाहे कितने भी संकट आ जाए, जिस तरह हिमालय सारे संकटों को झेलकर यानी उनका सामना करके खड़ा हुआ है अपने पथ पर, प्रतिज्ञापूर्ण अपने राह पर खड़ा हुआ है, शत्रुओं से लड़ता हुआ, बरसात को बरसात, धूप तूफानों को सहता हुआ खड़ा हुआ है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है ना, अपने पथ पर लाख मुसीबतों को सहकर खड़ा होना है। खड़े रहो अविचल होकर, अविचल मतलब बिना हिले डुले, अविचल होकर सब संकट तूफान में, संकट रूपी सभी तूफानों को में हमें खड़े रहने के लिए कवि यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, अपने प्रण अर्थात अपने प्रतिज्ञा से अगर तुम हिलोगे नहीं, डिलोगे नहीं, यानी अगर हमें क्या करना है कि हमें लक्ष्य रखना है कि मैं इस बार जरूर फर्स्ट आऊँगा, हमें इस बार जरूर मुझे फर्स्ट आना ही है, तो क्या कोई आपको हटा सकता है वहाँ से? नहीं। लेकिन वो प्रतिज्ञा हमें स्वयं लेनी है कि मैं इस बार अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके ही रहूँगा, चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, तो आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। जब हम अपने मन में किसी भी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, फिर हमें चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी बाधाएं आए, हमें उस पथ से कोई भी नहीं हिला सकता। तो क्या देखिए दोबारा, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, सब कुछ तुम पा सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, क्या कर सकते हो, यहाँ तक कि आसमान के तारे भी छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, जो अपने पथ पर स्थिर रहा, अचल मतलब स्थिर रहना, जो अपने पथ पर अचल रहा, वो क्या है, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, लाख परेशानियां आने पर भी जो अचल रहा, स्थिर रहा, मिली सफलता जग में उसको जीने में, मर जाने में, चाहे वो जीवित रहे या मृत्यु हो जाए, फिर भी वह अपने स्थान पर क्या रहा ना, उसको सफलता प्राप्त हो। बच्चों, हमारे इतिहास में हमने कई ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ा, सुना, जाना, जो अपने कर्तव्य पथ पर उसी तरह अचल रहे, अपने मुसीबतों को, हर मुसीबतों को झेलते हुए अचल रहे और आज अमर बन गए हैं, है ना? तो यहाँ पर कभी हमें उसी का संदेश दे रहे हैं कि हमें चाहे कितने भी संकट क्यों ना है, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हिलना चाहिए। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी यहाँ पर, उन्होंने जीवन मूल्य क्या बताया, संकट का सामने करने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आया होगा। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से समझें और अगर हो सके तो अपने पुस्तक के किनारे पर लिखें या अगर नोटबुक पास है तो नोटबुक में लिखें। हिमालय यानी हिमालय पर्वत, पर्वत श्रेष्ठ,
अविचल यानी अडिग, संकट परेशानी, तूफानी तूफान, प्रण प्रतिज्ञा, नभ आसमान, मुसीबत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मुसीबत संकट वही एक ही चीज है, अचल अडिग सेम है, सफलता यानी कामयाबी। ठीक है, इस विषय के समस्त प्रश्नोत्तर को हमने लिंक द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपने उसे पढ़ा और उससे कुछ जाना भी होगा। बच्चों, इस समय हमें बहुत ही सावधानी से रहना है, अपने परिवार के साथ बड़ों का कहना माने और पढ़ाई खेलकूद जो भी आपको करना है वो घर के अंदर ही रहकर करें, हंसते रहें खिलखिलाते रहें और सदैव खुश रहें। धन्यवाद।